से डिसाइड कर लेंगे भाई फाइनली पत्नी कौन बनेगा। मुझे पता था ये उंगलियां मेरी तरफ पॉइंट। गिफ्ट ही देना है तो तुम दोनों जाओ, तीसरी ले लो। इतना खाता है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना खाता है ये। एक्चुअली बेवकूफी बहुत अच्छा बनाती है। तुम्हारा बर्थडे है क्या? इसका बर्थडे बाद में है ना, आज थोड़ी ना। तलाक तलाक तलाक, ठीक है ओके फाइन। बड़ी बात बेइज्जती होगी बहुत आज के रिपोर्ट होगा। हमारा लंच टाइम हो चुका है, हमारा शादी वाला सीन चला था तो बहुत ऐसे हैक्टिक सब ऐसे गर्मी में से निकल के हम लोग आए हैं। तो निशांत आई थिंक फ्रेश हो गया, खाना शुरू कर चुका होगा क्योंकि हम सब साथ में बैठ के लंच करते हैं। तो अब हम चलते हैं साथ में, करते हैं उनके वैनिटी में एंटर से छुपके से। वैसे मुझे बोला गया था 5-10 मिनट बाद आना, लेकिन हम पहले ही चलते हैं और निशांत का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। कोई है? बर्थडे है क्या? तो इसका बर्थडे बाद में है ना, आज थोड़ी ना। कल है ना, परसों है ना। ठीक है ओके फाइन। तो अब क्योंकि खाना ये सारा खा चुके हैं मेरे बिना, इन्होंने मेरा 10 मिनट भी वेट नहीं किया और मुझे झूठ बोला कि तुम 5 मिनट बाद आना, हम खाना अनपैक कर रहे हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, जो हम केक लेकर आए हैं वो मैं अकेली खाऊंगी। चलिए मेरी वैनिटी में वापस, बाय। तलाक तलाक तलाक, ये एक बाइट देकर मुझे खुश कर देंगे बस। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। कौन सा बर्थडे है तुम्हारा? मेरा ये बता दो उम्र बता दो। मेरा ये हैप्पी वाला बर्थडे है। आपका भी बर्थडे हैप्पी रहे। नंबर बताओ। मेरा था फर्स्ट सितंबर। बाकी आप लोग गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। क्या क्या विश, कुछ विश मांगो इसे। एक विश मांगना, एक तो 15 विश मांग लेगा नहीं तो। मेरी एक विश इस बर्थडे पे ये है कि हमारा जो ये शो है जो आपको इतना एंटरटेन करता है, आपके दिलों में इतना हमको जगह देता है इतनी अच्छी, वो इसी तरह आपके दिल में घुसता रहे और आपको बहुत सारा प्यार, आपका बहुत सारा प्यार हमको मिलता रहे एंड हम आपको आने वाले कई सदियों तक एंटरटेन करते रहे। ये तो तुमने फिर सबके लिए विश मांग ली ना, क्योंकि अब तुम रहोगे, मैं रहूंगी, अंदर रहेगी, ज्वेलरी रहेगी, मेकअप रहेगा। मेरी सौतन, तो सबसे ज्यादा खाना हमारे यहाँ पे दिलजीत कौर लाती है। उस लालच में मैं अपना खाली टिफिन लेके आ जाती हूँ। मैं भी लाई हूँ खाना ना। मैं बहुत सारा खाना लाई हूँ। वैसे होता है दिलजीत कौर लेके आती है, लेकिन सबसे ज्यादा खाना खाता मैं हूँ। ये कितना खाता है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कितना खाता है ये। काला टिकली ले ले ले। केक खिलाओ जल्दी से मुझको। नहीं एक मिनट, मेरा बर्थडे अगर आ रहा है तो मैं चाहता हूँ ये जानना कि कनिका मान की मेरे लिए मेरे बर्थडे पे क्या विश है। तुम्हारे लिए विश मेरी सेम ही थी पहले, मांग ली ना। अब शो वाली बात ही बहुत बोलनी होती है। अब तुम्हारे लिए और क्या मांगू, तुम्हारी 15-20 गर्लफ्रेंड्स बने, यही सब चाहते हो ना तुम। मेरे को शराब दे रही हो क्या? एक हैंडल हो जाए बहुत बड़ी बात है। एक जेल ले बहुत बड़ी बात है। अच्छा और बता, तो तुमको क्या चाहिए? मैं सोच रहा हूँ वो क्या चाहिए निशान के लिए। क्या दो, क्या मांगू? एक घर बन जाए बच्चे का। घर में तो रह ही रहा है। नहीं, खुद का घर हो। जा मम्मी पापा को बुला ले। सड़क पे रहता हूँ। सड़क पे नहीं रहता है, खुद का घर। सब ड्रीम जो खुद का घर हो, खुद के कपड़े हो। हमारे किसी के भी अपने ही हैं।
मैं ना आ रही फिर मैं तुम क्या चाहते हो हम गंदे गंदे दिखे हम लोग सुंदर चुड़ैल बनेंगे ना सिर्फ एक मोमबत्ती कैरी करनी होगी व्हाइट कलर की साड़ी पहन जाएंगे तुम पहले ये बताओ तुम पार्टी वार्टी दे रहे हो कि नहीं दे रहे मैं पार्टी दूंगा ना ओए होए होए थैंक गॉड मैंने मीडिया के सामने ही बुलवा लिया तुम्हें मैं ये नहीं बोला बड़ा ये तुम्हें बुला रहा हूं कि ये नहीं बोला रख रहा पार्टी इतना बोला मैं अभी पार्टी में कुछ चाहिए रंग मंग धब ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए पार्टी में रंग मंग क्या मंग क्या होता रंग भंग क्या होता है आई मीन कुछ पार्टी में भंग तो ये मुझे बिल्कुल भी ये तो श्योर है लेकिन तू पार्टी में बोली मतलब पार्टी तुम्हारी अच्छी पार्टी तुम्हें अच्छी चाहिए कि नहीं पार्टी की जान चाहिए कि नहीं पार्टी में गिफ्ट चाहिए कुछ जितना तेज लड़का है ना इतना तेज लड़का है ना बताओ नहीं नहीं मैंने कितना बड़ा दिल गिफ्ट मैंने तुम्हारे ले लिया को खास गिफ्ट तो मैंने अभी तक सोची नहीं है बट हाँ मैंने अपने ये जो दलजीत ने बोला कि मेरा अपना घर होना चाहिए उसके लिए मैंने कुछ करना शुरू कर दिया है इस साल से या इस बर्थडे हाँ मतलब मुंबई शहर में घर खरीद लेना बहुत बड़ी बात होती है तो अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं बर्थडे के बाद अब हाउस वार्मिंग पार्टी भी दूंगा मैं तो एक्चुअली आई बिलीव इन सरप्राइजेस तो मैंने कहा ना जितना बड़ा दिल है गुड्डन AKA कनिका मान का वो हम स्टोरी करेंगे अलग से देखते हैं क्या गिफ्ट आता है चॉकलेट्स की चॉकलेट मेरी जो दोनों वाइब्स हैं उनकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं देखो चॉकलेट आएगा तो एक एक पीस तोड़ के दे दूंगा बोलूंगा रख लो जैसा गिफ्ट वैसा रिटर्न गिफ्ट तो हम दोनों में से डिसाइड कर लेंगे भाई फाइनली पत्नी कौन बनेगा एक एहसान कर देंगे यार गिफ्ट ही देना है तो तुम दोनों जाओ तीसरी ले लो देखो एक पति से पूछोगी एक पति से पूछोगे कि गिफ्ट क्या चाहिए पत्नी से तो यही बोलेगा ना नहीं ला दो बोलो दो के साथ इतने से आप प्योर रखे इसकी जान निकल रही है इतनी वाट लग रही है इसको तीसरे का भी शौक है ना बहुत यार वेरी ब्रेव मैन आई एम एक्चुअली वेरी ब्रेव मैन करेज इज माय सेकंड नेम मुझे पता था ये उंगलियां मेरी तरफ पॉइंट होगी मेरा तो रोज एक ही होता है दाल मखनी तोरी ये तोरी खाती है अरबी खाती है ये ऐसी ऐसी सब्जियां खाती है जो उनकी हम शक्ल ना देखें ताकि हम ये एक प्लॉटिंग है ये चाहती है कि हम शेयर ना करें इसलिए अरबी लेकर आती है तोरी लेकर आती है लौकी लेकर आती है उसको पता है कि पसंद नहीं और मैंने स्पेसिफिकली बोला हुआ था पहले दिन आई थी जब थोड़ा फॉर्मेलिटी थी तो अरबी लेके मैंने कहा यार मुझे नहीं पसंद सॉरी आई वुड नॉट लाइक टू शेयर उसके बाद अरबी लेकर आई कंटिन्यूअसली अरबी लेकर आई क्या है तोरी क्या अरबी ये जो है ना जो षड्यंत्र है ना ये हर बार डब्बा खोलने के बाद बड़े प्यार से बोलती है लो लो प्लीज लो कौन लेगा फॉर्मेलिटी हमें बोलना पड़ता है तुम भी लो तो ले लेती है हम तो ले नहीं पाते ये हमारी रोज की कहानी है लंच टाइम की इसको मेरा दुख जो है ना वो बांट के एक बार मैं लेकर आती हूं हैं खाना बनाने का बहुत शौक है और डेली जो खाना आता है वो मैं ही बनाकर लेकर आती हूँ ब्रेकफास्ट में आलू पराठे गोभी पराठे पनीर पराठे अक्सर बनाती हूँ बोलते बोलते ये एक्चुअली बेवकूफी बहुत अच्छा बनाती है और वो बना रही है शक्ल दिखा तो अपनी ये देखिए दो दो गर्मा गर्म बेवकूफ अभी पके अभी अभी बनाए गए हैं अरे वाह थैंक यू कनिका आंटी आपकी गोल्डन जुबली पे आऊंगा जलता ही रहता है पता है मुझे भी ट्राई करो चलो दोनों देखा देते हैं
चीटिंग वाला नहीं खा रहा, असली खा रहा है। मतलब इतना वाला था, तुम खाओ, तुम खाओ, तुम्हारा बर्थडे है, तुम खाओ। सोचते हम पति पत्नी मिलकर हम बांटेंगे, आठ के बांटते हो। हाँ हाँ।